कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस कैंप्स तो हम लगाते ही हैं, इवेल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं कि हार्ट की बीमारियों को कैसे रोका जाए। जनरली जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं, और जो सुझाव पेशेंट्स को दिए जाते हैं कि आप किस तरह हार्ट की बीमारियों से दूर रह सकते हो उनको देखने की कोशिश करते हैं। जनरली हम शुगर का टेस्ट करते हैं यहाँ पे, ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, ECG भी करते हैं, और जितना पॉसिबल हो सके अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि हार्ट की बीमारियों से कैसे दूर रहा जाए। हर वीक में एक नए थीम के साथ चलते हैं, तो चूंकि एक विंटर्स इस बार बढ़ने की विंटर्स का टाइम आ रहा है, तो हार्ट की बीमारियां विंटर्स में ज़्यादा होती हैं, तो अदर देन दी ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हम लोगों को ये भी कहते हैं कि किस तरीके की एनवायरनमेंट से आप बचने की कोशिश करो। खासकर जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको अर्ली मॉर्निंग में या लेट जब भी टेम्परेचर डिप होता है तो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वेंचर करता भी है चलने के लिए या सैर करने के लिए, हार्ट के मरीज़ को तो चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस समय चलने की कोशिश करनी चाहिए जब टेम्परेचर डिज़ायर्ड हो। तो कैंप्स में आज काफ़ी से लोग देखे हैं हमने, और BP की जांच करते हैं, शुगर के लेवल देखते हैं, लोगों को लिपिड्स के बारे में सुझाव देते हैं कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो स्मोक करते हैं जो लोग, बोथ एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग, उससे कैसे दूर रहा जाए, एक आइडियल रेट को कैसे मैनेज किया जाए, और एक हॉट हेल्दी एनवायरनमेंट को कैसे जनरेट किया जाए घर में, जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, ट्रांस फैट कम हो, वेजिटेबल ज़्यादा हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो, और एक स्ट्रेस के लेवल को कम करने की कोशिश करें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।